अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 24 एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, कह रहा है एक डाई को हमने दो बार फेंका, कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फाइव विल नॉट कम इधर ऑफ द टाइम, कह रहे कि जब हमने एक डाइस को दो बार फेंका कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पांच नंबर उनमें से एक भी बार नहीं आएगा, या कह रहे हैं कि सेकंड में फाइव विल कम एटलीस्ट वन, फिर सेकंड में कह रहे हैं कि पांच कम से कम उन दोनों में से एक बार तो आ ही आए, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब गाइज ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, देखो कह रहे हैं अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, इसकी जगह ये भी कह सकते थे कि टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ऐसे भी पूछ सकता था कि देखो ये चीज मैंने आपको बताई थी, ये दोनों एक ही बात है कि एक डाइस को दो बार फेंकना और दोनों डाइस को एक साथ फेंकना, ये दोनों एक ही बात है, एक डाइस को दो बार फेंकना एक एक करके और दो डाइस को एक साथ फेंकना, ये दोनों एक ही बात है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें टेबल बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारा दो डाइस का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस या टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ये दोनों एक ही बात है, तो सबसे पहले टू डाइस का टेबल बनाते हैं टोटल आउटकम्स का। ओके तो ये टेबल मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है, सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 1.1, 1.2, इस क्वेश्चन को करने के लिए टेबल बनाना बहुत जरूरी है। देन 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.4, 5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, ओके, देन 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 एंड 6.6, ये बनेगा हमारा टेबल। टोटल 36 आउटकम्स होती हैं इसमें, गिन लो चाहे 36 आउटकम्स हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पे लिख दो, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल्स टू 36, क्योंकि ये गिन लो टोटल 36 हैं, 36 आउटकम्स हैं। देन अब हम ये कह रहे हैं कि फाइव विल नॉट कम इधर ऑफ द टाइम, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट की है, फाइव विल नॉट कम इधर टाइम, मतलब एक भी बार डाइस पे फाइव ना आए, तो यहाँ टेबल में देख लेते कि फाइव हमारा एक भी बार कहाँ पे नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे नहीं आ रहा एक बार भी फाइव, एक ये यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ फाइव आ रहा, तो यहाँ पे इसको नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पे भी फाइव नहीं आ रहा, जहाँ जहाँ पे एक भी बार भी फाइव नहीं आ रहा ना, बस उसको सर्कल कर दो, 3.2, 3.4, 3.6, जहाँ जहाँ पे बस फाइव फाइव आ रहा है ना, उस उसको सर्कल मत करना, यहाँ भी फाइव आ रहा है, इस लाइन में तो सारी जगह फाइव है, तो इसमें से किसी कोई भी नहीं आएगा, ये तो और कहाँ पे फाइव है, देख लो फाइव देख लो, बस ये सारे आ रहे हैं, बाकी और इसमें भी फाइव है, ये फाइव है, फाइव है, फाइव है, फाइव है, यहाँ पे भी फाइव, ये भी सारा फाइव है, ठीक है। तो बस अभी इन सबको गिन लो, ये हमारी यहाँ पे फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में, या फेवरेबल आउटकम्स है ये, आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो यहाँ पे बस आंसर लिख दो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, फाइव हमारा इन इन जगह पे एक भी बार नहीं आ रहा, तो इनको सबको गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, टोटल 25 आ गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 25 है, और टोटल कितना है, सारी आउटकम्स कितनी हमारी, टोटल 36 है, तो 36 ये हमारा आंसर। तो फाइव विल नॉट कम इधर टाइम, एक भी बार जब यहाँ पे फाइव नहीं आ रहा, वो है हमारी 25/36। ओके अब कह रहे हैं सेकंड में, कह रहे हैं कि फाइव विल कम एटलीस्ट वन, कम से कम एक बार तो फाइव आए ही आए, तो वो जगह कौन सी है, ये है सारी, यहाँ पे कम से कम एक बार तो फाइव आ ही रहा है। ओके ये जो मैंने पेन से करी है, यहाँ पे सारी जगह एक बार कम से कम फाइव आ ही रहा है, तो इन सबको गिन लो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो आंसर कितना आ गया, 11/36, फेवरेबल आउटकम हमारी 11 है, और टोटल आउटकम्स कितनी हमारी 36, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव विल
कम एट लीस्ट वंस। ओके, तो ये कितना है हमारा, 11/36, 11 हमारी फेवरेबल आउटकम्स, 36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा, क्वेश्चन 24। ओके, अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट और नॉट करेक्ट। ठीक है, हमें बस ये राइट बताना है कि ये करेक्ट है या नहीं है, राइट और रॉन्ग बताने, गिव रीजंस ऑफ योर आंसर और अपना रीजंस भी दे देना है। कह रहे हैं इफ टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, दो कॉइन्स को जब हमने एक साथ उछाला, टू कॉइन्स को, तो कह रहे हैं कि देर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स। ये तो वैली गलत हो गया। देखो, जब भी हमारे दो कॉइन्स हम उछालते हैं तो चार और टोटल आउटकम्स आते हैं, दो हेड होते हैं, दो टेल होते हैं, एक हेड होता है एक टेल होता है, पहले वाला टेल होता है और दूसरे वाला हेड होता है, ये चार आउटकम्स होते हैं हमें पता है। जब भी टू कॉइन्स उछालते हैं तो दो हेड आ सकते हैं या दो टेल आ सकते हैं, या पहले वाले पे हेड आ सकता है, दूसरे वाले पे टेल आ सकता है, या पहले वाले कॉइन पे टेल आ सकता है, दूसरे वाले पे हेड आ सकता है, चार आउटकम्स आ सकती हैं। ये तो उसकी पहली लाइन ही गलत होगी। फिर आगे कह रहा है देयर फॉर फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। कह रहे हैं कि हर एक इसके लिए प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, कि दो हेड आने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3, दो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। 1/3 तो होगी नहीं, 1/4 होगी जैसे हम निकालते हैं। इसका मतलब है पहले कॉइन पे भी हेड आए और दूसरे कॉइन पे भी हेड आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों हेड की क्या है, फेवरेबल आउटकम कितनी है, एक ही है। अब देखो चार आउटकम्स में से एक ही बारी तो दो हेड है, तो 1/ टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है, 4। तो ये हमारा रीजन हो गया, तो हैंस क्या आंसर इसका, नो, हैंस नो। ठीक है, मतलब नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट, और रीजन हमने ऊपर दे दिया। ओके, यही रीजन है। रीजन आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसे इसकी जगह आप ये भी ले सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल इज इक्वल टू, ये भी 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल इज इक्वल टू, ये भी 1/4 है। ठीक है, आप कोई भी रीजन कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी से। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है, सेकेंड पॉइंट में कह रहा है इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। ठीक है, ये तो इतना सही कह रहा है। कह रहा है जब हम एक डाई को उछालते हैं, एक जो डाइस होती है हमारी, उसको जब हम उछालते हैं तो हमारे वैसे हमारे जो आउटकम्स होते हैं वो क्या आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कह रहे हैं कि ये ना टोटल दो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, या तो इवन नंबर आएगा या तो ऑड नंबर आएगा। तो सही कह रहा है, देखो ये हमारे इवन नंबर हो गए, ये इवन हो गया, ये इवन हो गया, ये इवन हो गया, और ये तीनों ऑड हो गए। इवन और ऑड ही तो आउटकम्स आ रही हैं, और क्या आ रही हैं, सही है बिल्कुल। ये तो क्या कह रहा है, देयर फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। कह रहे हैं ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो देख लेते हैं हम निकाल के। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यही होता है। देन अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, कह रहे हैं कि ऑड नंबर निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या हो जाएगी हमारी, ऑड नंबर हैं कितने, 1, 2, 3, तो फेवरेबल आउटकम कितनी होगी, 3, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 6, तो 3/6 ये हो जाएगा। इसको काट दो, 3 1 3 2, तो आंसर कितना आ गया, 1/2। तो ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, कह रहा ना द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2, यही आ रही है हमारी। तो ये वाला सही है, ये वाला गलत था बस। ओके, तो क्वेश्चन 25 भी हो गया हमारा कंप्लीट।